हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो। आज के वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप इस चीज़ से, ये क्या है, यह है कलौंजी, इससे आप अपने बालों को लंबा, घना, काला बना सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर किसी लड़की, महिला और लड़कों के लिए उनके बालों का विशेष महत्व होता है। अगर आपके बाल काले, लंबे व घने हैं तो हर किसी की नज़र आपके ऊपर तो टिकी जाएगी। लेकिन आज के लाइफस्टाइल में जब ना खाने का ठिकाना होता है ना सोने का, तो ऐसे में घने बालों की चाह तो बस एक हसरत बनकर रह जाती है। खाने में पोषण की कमी, केमिकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल, प्रदूषण व अत्यधिक तनाव के कारण कमज़ोर बाल, दो मुँहे बाल, डेंड्रफ, हेयर फॉल व अन्य कई तरह की समस्याएँ लग जाती हैं। जैसे ऐसे में ज़रूरत होती है कि बालों को अतिरिक्त पोषण दिया जाए। अमूमन यानी कि महिलाएं इस तरह की परेशानी होने पर बाजार से मिलने वाले कई तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसा घर पर ही मौजूद घरेलू नुस्खा बताऊंगा जिससे कि आप अपने बालों को काला, लंबा, घना कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कलौंजी का तेल किस तरीके से बनाना है। ये तो है कलौंजी हमारी। इस कलौंजी को एक फ्राई पैन में लेना है और उसमें 2 गिलास पानी डालना है। 2 गिलास पानी डालने के बाद उसे अच्छे से बॉईल करना है। अच्छे से बॉईल करने के बाद आप उसे ठंडा करने के लिए रख दोगे। ठंडा करने के लिए रखने के बाद आप किसी बोतल में, कांच की बोतल में, उस कलौंजी के तेल को आप स्टोर करके रख लीजिए। इस तरीके से आप स्टोर करके रख लेंगे तो ये है हमारा कलौंजी का तेल। क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे बालों को ग्रोथ करने में मदद करती हैं। तो आपको इसको अप्लाई कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस कटोरी में इस कलौंजी को तो मैं एक तरफ रख देता हूँ। आपको अब मैं बताता हूँ कि ये मैंने कलौंजी का तेल पहले से निकाल के रखा हुआ है। इसमें ले लेता हूँ एक कटोरी में। जब ये ठंडा हो जाए, जैसा कि आप उबालेंगे इसको, कलौंजी को 2 गिलास पानी वाटर में, तो जब ये ठंडा हो जाए तब आप कांच की बोतल में इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब अपने बालों पर, अब जड़ों में इस कलौंजी के तेल जो हमने बनाया है बॉईल करके, इसमें हम बालों की जड़ों में हल्के हल्के हाथों से ऐसे रब करेंगे, स्क्रब करेंगे या जड़ों तक पहुंचाएंगे इस तेल को। तो कलौंजी का तेल से रब करना है। इससे कलौंजी का तेल जब हल्का ठंडा हो जाता है ना, तो वह हमारे गर्म नहीं लगाना है, गर्म गर्म तेल नहीं लगाना है, वो नुकसान करेगा। आपको ठंडा लगाना है। तो आपको अब देखिए करना क्या है कि इसमें आप नारियल का तेल मिला सकते हैं, यानी कि कोकोनट ऑयल। नारियल का तेल इसमें कलौंजी के तेल में मिलाने के बाद आप सिर पर मसाज कीजिए। देखिए मैंने नारियल की कुछ बूंदें इसमें मिला ली हैं। तो अब आपको करना क्या है कि नारियल का तेल मिक्स करने के बाद अब इसको अप्लाई करना है। इसके लिए आपको कलौंजी और नारियल के तेल को बराबर मात्रा में मिक्स करना है। अब हमने ये मिक्स कर लिया और हल्का हाथों से अपने बालों पर इस तेल को मसाज करना है। तो करीबन आधे घंटे बाद बालों को नॉर्मल शैम्पू से धो लेना है। मतलब आपको ये मसाज करनी है आपको अपने बालों में, फिर आधे घंटे बाद या पौन घंटे बाद आपको किसी भी शैम्पू से जो आपके लिए शूट करता है शैम्पू, उस शैम्पू से अपने बालों को धो लेना है। तो ये था मेरा नुस्खा बालों के लिए। क्योंकि बालों की समस्या आजकल बहुत देखी जा रही है, कम उम्र में ही लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कलौंजी लेनी है। कलौंजी को पानी में बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपको कांच की बोतल में स्टोर करके रखना है और उसमें स्टोर करने के बाद आप जब अप्लाई करें तो उसमें नारियल का तेल, 3-4 बूंद नारियल का तेल मिला के आपको अपने सीधे डायरेक्ट बालों को रब करना है और मसाज करनी है। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके बाल काले, लंबे, घने और जो सफ़ेद हैं वो बाल बिल्कुल काले हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आता रहूँगा और नई नुस्खे के साथ फिर नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।